चिश्ती ने मुझे बताया कि वो मेरे लिए जज्बात रखते हैं और उसने मुझे एक गैर मामूली जिंदगी का ख्वाब दिखाया। मैंने उसे मना कर दिया। ऑफिस मीटिंग के दौरान उसने मेरी पेंट के अंदर हाथ डाला और साथ ही मुलाजमों के सामने मेरे जिस्म के पिछले हिस्से को हाथ लगाया और वहां मौजूद किसी ने भी मेरे लिए आवाज नहीं दी। जनवरी 2017 में एक ईमेल की जिसने चिश्ती को मैंने 3 बार लिखा, तुमने मेरे साथ नामुनासिब सलूक किया और वो भी मेरी रजामंदी के बगैर। मैंने उसे याद दिलाया कि मैंने रूबरू कहा था। मैंने उससे कहा, जिया मैं ये नहीं चाहती, ये सब मेरे लिए खौफनाक, जिल्लत आमेज और शर्मनाक थे। जब तुम नशे में होते हो तो मुझे तुम पर भरोसा नहीं रहता और ये तजुर्बात मुझे खौफजदा करते हैं। इसी सफर के दौरान उसने अपनी तवज्जो एक और 20 साल लड़की की तरफ दी जो चिश्ती के किसी दोस्त की बेटी थी। अगली सुबह उसने उसे टेक्स्ट किया कि उसके साथ अच्छा नहीं हुआ। वो हरासा महसूस कर रही थी। उस लड़की ने चिश्ती को कई बार रुकने को कहा था पर वो जानता था कि वो कितनी नशे में है।